जय हिंद गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड पार्ट। उसका नाम है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। इसमें आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, तरीका मेथड अगर आप सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन आज आप डेफिनेटली बना के क्वेश्चन में अच्छे नंबर पा सकते हो। तो मेथड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम मेथड सीखने वाले हैं किस तरीके से आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, आज वो हम सीखने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रख के कॉपी पेन ले के साथ में नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल क्वेश्चन है। टी टी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वी थ्री आर, मतलब यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, 3D के फॉर्म में दिया जाएगा एक प्रकार से बोला जाए तो। डिफाइंड डिफाइंड क्या दिया गया है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, टी ए बी सी इज इक्वल टू 2B प्लस सी ए माइनस 4B और 3A करिस्पॉन्डिंग टू द बेसिस। यहाँ पे बेसिस स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड बेसिस होता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन में कुछ भी आता है वो वाला, उसका भी अलग तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला जो है ये आपको ध्यान रखना, ये आपको दिमाग में होना चाहिए, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड बेसिस, मतलब ये जो बेसिस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करने में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला, बहुत सिंपल सा चीज़ है। लेकिन अगर ये सेकंड क्वेश्चन जो देख रहे हो आप, ये सेकंड क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगा क्योंकि ये कुछ भी दे दिया गया है, 1 1 1 1 1 1, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेंदी करना है, लेकिन आपको करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये इतने बार आया है एग्ज़ाम में, इतने बार आया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, हो सकता है कि आपके नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है उसमें भी आ जाए, ठीक है, आप जब भी देख रहे हो वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, ये सेकंड क्वेश्चन तक ये क्वेश्चन ओवर नहीं है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ये है कि हमको वेरीफाई भी करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। अब ये आपको पता ही नहीं होगा कि ये है क्या एक्चुअल में, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। पेशेंस रखना आज की क्लास में आपको, जहाँ पे जो वेक्टर होगा अल्फ़ा ये V3R होना चाहिए। तो हमने आज क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझा, क्वेश्चन कैसे आएगा, ये हमारा पहला वाला जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, एंड सेकंड जो है वो एज इट इज़ क्वेश्चन कुछ भी आएगा आपके एग्जामिनेशन में तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा आज, तो मेथड जरूर सीखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, लेट मान लेते हैं कि यहाँ पर टी जो है टी सच दैट V3R से V3R ही गया है, यहाँ पे V3R टू V3R बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द बेसिस। ये आपको ध्यान रखना है कि मैं पहले स्टैंडर्ड बेसिस, ये आपको दिमाग में याद रख लेना है कि ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है जहाँ पे वन होना चाहिए, बस हर जगह वन, हर कोऑर्डिनेट वन ही है यहाँ पे, बस पोजीशन अलग है, पहले पहला पोजीशन में, फिर मिडिल में, फिर लास्ट में, इस तरीके से। तो ये हमारा स्टैंडर्ड बेसिस होता है। तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, आपको बोलते जाना है मेरे साथ, 1 0 एंड 0, फिर कॉमा 0 1 और 0, फिर कॉमा 0 0 एंड 1। ये तीन मैट्रिक्स मतलब तीन बेसिस के एलिमेंट्स हैं हमारे पास। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेन पैटर्न। अब यहाँ पे जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं ना, इसे हम कुछ मान लेते हैं, सपोज लेट अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 0, जीरो 1 0 एंड अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 1। सिंपल सा तरीका, हमने तीन चीज़ मान लिया। अब यहाँ पे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन रहेगा ना, इसका बहुत ही बड़ा रोल है गाइस, आराम से समझिए आज का क्वेश्चन, अगर एक सीख गए तो आपका पूरा मतलब कि हो सकता है एग्जामिनेशन में आ जाए, तो डेफिनेटली आप बना के अच्छा नंबर पालोगे। तो ये आपका बहुत ही यूज़ है। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कन्वर्टर है समझ जाओ, इस तरह से कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको फिजिक्स में, तो क्या होगा इसका, जैसे कि काइनेटिक्स टू मतलब कि जैसे हमारे डैम में होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, इस तरीके से मतलब कन्वर्टर है समझ जाओ, ऐसे कि हम कुछ वैल्यू देंगे तो अलग वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू का इसमें चेंज हुआ तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसलिए ये फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर भी हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं इन तीनों पॉइंट्स का, फॉर एग्जाम्पल टी अल्फा 1
का वैल्यू होता है टी, अल्फा वन वैल्यू क्या है 1, 0, 0 इज इक्वल टू, ये सारा वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, कहाँ गया ये वाला इक्वेशन में हमारे पास, तो यहाँ पे इक्वेशन में 1 पुट कर दो आप, 0, 0 ये 0 हो जाएगा पहला, फिर कॉमा यहाँ पे पुट करते हैं 1 - 0 मतलब 1, और यहाँ पे 3, 3 - 1 = 3 तो यहाँ पे 3 आ गया, पहला पॉइंट पुट किया हमने। फिर टी अल्फ़ा 2 निकाल लो यहाँ से, यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारा 1, 0, 1 and 0 ठीक है, वैल्यू पुट अप करते हैं, पहले वाले में 1 आएगा 2 + 0 मतलब 2 आएगा यहाँ पे ठीक है, फिर इसमें क्या होगा 0 - 4 तो यहाँ पे क्या होगा -4, 3 = 0 हो जाएगा ये, तो ये आ गया हमारे पास। अब टी अल्फ़ा 3 निकाल लेते हैं यहाँ से, टी अल्फ़ा 3 क्या आएगा यहाँ पे t 0, 0 and 1 ये हमारे पास वैल्यू है, 0 पुट कर दो यहाँ पे 0, 0 and 1 तो यहाँ पे 1 आ गया पहला, फिर यहाँ पे 1, 0 - 0 = 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे 3 - 1 = 0 हो जाएगा तो यहाँ भी 0, ये 3 पॉइंट हमने निकाल लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हमें, सिंपल सा चीज़ है लीनियर कॉम्बिनेशन आप सभी जानते हो, तो हमको जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं उसके साथ ये जो ट्रांसफॉर्मर आपको निकाला गया है हमने निकाला है, इसे हमें लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख के दिखाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिख के दिखाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको टी अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू क्या है 0, 1 और 3 फिर इज इक्वल टू में आएगा, पहले 0 लिखो आप, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या आएगा वहाँ पे सामने देखिए आप, यहाँ पे बेसिस में क्या दिया गया है 1, 0, 0 फिर प्लस में 1, 0, 1 and 0 प्लस में 3, 0, 0, 1 ठीक है। ऐसे ही सेम टी अल्फ़ा 2 लिखिए आप, टी अल्फ़ा 2 क्या है हमारे पास 2 - 4 and 0 तो वैल्यू पुट अप करते हैं 2, 1, 0, 0 प्लस में सॉरी -4 है यहाँ पे ना तो -4, 0, 1 और 0 फिर 0 है 0, 0, 0, 1। अब इसी टी अल्फ़ा 3 को यहाँ पे लिखते हैं हम, टी अल्फ़ा 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा 3 का वैल्यू है 1, 0, 0 ठीक है, तो इसी को आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1, 1, 0, 0 फिर प्लस में 0, 0, 1, 0 प्लस में 0 यहाँ पे जाएगा 0, 0, 1 ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ से आपको 3 मिल गया यहाँ पे, 1, 2 तीनों का ट्रांसफॉर्म का हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब बात आता है यहाँ पे कोफिशियंट मैट्रिक्स का, कोफिशियंट मैट्रिक्स ये क्या होता है गाइज, अब देखिए कोफिशियंट जो लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारा उसका जो कोफिशियंट यहाँ पे आपको देखिए यहाँ बेसिस जो है बेसिस के एलिमेंट्स हैं उसके सामने कोफिशियंट ये है, अगर मैं आपको एक तरीके से बोलूँ ये कोफिशियंट बोलेंगे इसको तो यहाँ से इसका नाम पड़ गया कोफिशियंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्यों पड़ा, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने वाले हैं पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको अगर डायरेक्ट समझना है तो आप इसको डायरेक्ट उठाओ 0, 1, 3 और इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। कोफिशियंट इसलिए समझाने के लिए बोला आपको मैं, ये कोफिशियंट है इस एलिमेंट का, ये कोफिशियंट है इस एलिमेंट का, ये कोफिशियंट है इस एलिमेंट का, तो डायरेक्ट आप यहाँ से लिखिए। यहाँ से कैसे लिखना है आपको 0, 1 and 3 2 - 4 - 0, 1, 0 and 0 दिस इज़ अ वे टू राइट दिस मैट्रिक्स फॉर्म। एंड यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इसे ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसपोज करना है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, हेंस मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू बी बेसिस, मतलब इसको कैसे लिखते हैं हम, टी यहाँ पे फिर सच दैट बी, ये होता है वे लिखने का। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, टी मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही लेकिन यहाँ हमें ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने का मतलब ये होता है जैसे ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, बी इज इक्वल टू इसको ब्रैकेट में डाल लेना है आपको, ये ब्रैकेट का मतलब ही एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है ठीक है। फिर यहाँ पे आपने ऐसे लिखा, अब रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 0, 1 and 3 2 - 4 and 0, 1, 0 and 0 दिस इज़ द आंसर। ये पहले का आंसर हो गया, ये पहले का हमने वैल्यू निकाल लिया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये होता है हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। लेकिन ये जो बात है ये स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर है, क्योंकि सिंपल सम में 1 होता है। स्टैंडर्ड बेसिस कहने का मतलब ये होता है, कोई याद करने का तरीका ये होता है गाइज, कि सभी में 1 आना चाहिए, डबल 1, ट्रिपल 1 का रोल ही नहीं है,
सिंगल वन आना चाहिए। तो ये सिंपल इस तरीके से सॉल्व होगा, कुछ नहीं किया हमने, ये वैल्यू निकाला है और इसका मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए, समझिए इस तरीके से। अब सेकेंड क्वेश्चन में जब आएंगे हम यहाँ पे, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर सेकेंड पार्ट में आते हैं। चलिए अब सेकेंड पार्ट में आ जाइए। सेकेंड पार्ट जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, इसमें तरीका थोड़ा सा अलग है। बी डैश आपके पास वन वन एंड वन, फिर कॉमा वन वन एंड जीरो, फिर कॉमा वन जीरो एंड जीरो, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया हमारे पास। आपके पास ट्रांसफॉर्म भी दिया है, उसको भी लिख लेते हैं हम। टी ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू, आपके पास दिया है टू बी प्लस सी कॉमा में ए माइनस फोर बी कॉमा में थ्री ए, इस तरीके से। अब इसके बाद सीखिए यहाँ पे, अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू निकालेंगे टी का। तो सबसे पहले ले सपोज मान लेते हैं लेट लेट अल्फ़ा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन वन एंड वन, अल्फ़ा टू का वैल्यू हो जाएगा वन वन एंड ज़ीरो, एंड अल्फ़ा थ्री का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे वन ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें सिंपल जो सेम काम पहले किया हमने वहाँ तक थोड़ा पार्ट सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं टी अल्फ़ा वन, तो यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दो आप, अल्फ़ा वन क्या है वन 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 है, तो यहाँ पे वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू प्लस वन थ्री, फिर यहाँ पे वन माइनस फोर माइनस थ्री, माइनस थ्री हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से वन वन पुट करेंगे तो वन थ्री, एक आ गया हमारे पास। ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ मैं टी अल्फ़ा टू इज इक्वल टू, यहाँ पे है वन वन डबल वन, मतलब यहाँ वन होगा यहाँ जीरो, मतलब टू कॉमा यहाँ पे वन माइनस फोर, वन माइनस फोर माइनस थ्री, एंड थ्री ए का थ्री होगा। उसके बाद टी अल्फ़ा थ्री, इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे वन जीरो जीरो, तो यहाँ पे जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो कॉमा ए का वन है वन माइनस जीरो वन, और यहाँ पे थ्री वन जा थ्री। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ गया इसका। अब यहाँ पे आपको सीखना कुछ ये है कि यहाँ टी अल्फ़ा वन कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था लीनियर कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, तो यहाँ पे टी अल्फ़ा वन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास थ्री माइनस थ्री और थ्री। अब यहाँ पे जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो क्वेश्चन में, बेसिस में जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा तो क्या करना है गाइज, आपको आपको ए वन ए टू ए थ्री मानना है। किस तरीके से, अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। यहाँ पे सामने आपको ए वन मानना है, फिर सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है ये वाला टर्म वन वन एंड वन, प्लस में ए टू मान लो यहाँ पे डबल वन कॉमा जीरो, प्लस में ए थ्री मान लो वन जीरो जीरो। ठीक है, जब आप ये निकाल लोगे, ये लिख लिया आप लाइन, इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें ए वन का वैल्यू मालूम नहीं है, ए टू का वैल्यू मालूम नहीं है और ए थ्री का वैल्यू नहीं मालूम है, इसको पहले फाइंड करेंगे हम। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, कंपेयर करना है आपको बस। इसे अब इक्वेशन फॉर्म में लिखिए पहले कैसे होगा ये, एक को करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ए वन ए वन एंड ए वन यहाँ पे प्लस में ए टू एंड जीरो, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, दैट्स इट। समझ गए ना आप, इतना आपको आना चाहिए बेसिक, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको एक बार। ए थ्री जीरो कॉमा जीरो मल्टीप्लाई किया हमने। अब सिंपल ऐड कैसे होता है इसमें, कोऑर्डिनेट में पहला 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 मतलब एक्स का एक्स एक्सिस के साथ, फिर एक्स एक्सिस के साथ, फिर वाई का वाई एक्सिस के साथ, वाई के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा ए वन प्लस में ए टू प्लस में ए थ्री, ठीक है, फिर कॉमा लगा लो ए वन प्लस में ए टू, एक तो जीरो हो गया, फिर ए वन और यहाँ पर ए वन ही आएगा बस। और यहाँ पर क्या है हमारे पास थ्री माइनस थ्री और थ्री, तो थ्री माइनस थ्री और थ्री, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो पहला के पहले के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, ए वन प्लस में ए टू प्लस में ए थ्री इज इक्वल टू थ्री आ गया, फिर ए वन प्लस में ए टू इज इक्वल टू माइनस थ्री आ गया, और ए वन इज इक्वल टू आ गया थ्री। तो यहाँ ए वन का वैल्यू पुट कर दो पहले दूसरे वाले में, यहाँ पे क्या होगा थ्री प्लस में ए टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो यहाँ उधर चले जाएगा, तो यहाँ से ए टू का वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस सिक्स, ए टू का वैल्यू माइनस सिक्स, ए वन का वैल्यू थ्री, तो यहाँ पे पुट करते हैं माइनस थ्री, ए वन प्लस ए टू का वैल्यू माइनस थ्री है, तो यहाँ पुट कर दो माइनस थ्री हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब ए वन का वैल्यू आ गया, ए थ्री का वैल्यू आ गया हमारे पास प्लस का सिक्स। तो क्या क्या वैल्यू आया हमारे पास, हमारे पास वैल्यू आ गया है ए वन इज इक्वल टू थ्री, ए टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स, और ए थ्री इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, ये हमने पहला निकाल लिया। अब निकालते हैं यहाँ से टी अल्फ़ा टू का वैल्यू। T
पी अल्फा टू क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं, टू माइनस थ्री और थ्री, टू माइनस थ्री और थ्री, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहले आप ए वन ही मान लो, ठीक है, ए वन, फिर वन 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 रहता है, फिर प्लस में ए टू रहता है हमारे पास डबल वन कॉमा जीरो, फिर प्लस में ए थ्री रहता है हमारे पास एक वन और डबल जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से सेम पैटर्न करूँगा, इसे ऐड करूँगा, यही प्रोसीजर फॉलो करूँगा, तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन ऐसा बनेगा कंपेयर करने के बाद ए वन। अब आपको क्या करना है गाइस कि सिंपल सा ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसे आपको वैल्यू चेंज करते जाना है, बस इस लाइन को लिखना है आपको और वैल्यू चेंज करते जाना। तो यहाँ से ए वन प्लस ए टू प्लस में ए थ्री का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास टू, और ए वन प्लस ए टू का वैल्यू आएगा हमारे पास माइनस थ्री, और ए वन का वैल्यू आएगा हमारे पास थ्री। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, आप देखिए ए वन का वैल्यू थ्री है हमारे पास, तो पुट कर दो यहाँ पे, वहाँ पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो ए टू का वैल्यू आ जाएगा माइनस सिक्स, ठीक है, और ए वन का हमको पहले से मालूम है थ्री, और इसका तो माइनस थ्री है पहले से, तो माइनस थ्री पुट कर दो आप इसमें, माइनस थ्री हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस थ्री, मतलब ए थ्री का वैल्यू आ गया हमारे पास फाइव, ठीक है। तो यहाँ से आपने निकाला ए वन इज इक्वल टू थ्री, ए टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स, और ए थ्री इज इक्वल टू फाइव। अब आ जाते हैं थर्ड में, टी अल्फ़ा थ्री में, तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू क्या हमारे पास, टी अल्फ़ा थ्री हमारे पास दिया गया है जीरो वन थ्री, जीरो वन एंड थ्री। तो यहाँ से फिर से सेम चीज़, ए वन 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 प्लस में ए टू डबल वन और जीरो प्लस में ए थ्री वन जीरो एंड जीरो, ठीक है। यहाँ से फिर से सेम चीज़ ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, जैसे यहाँ पर बनाया हमने, सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है, ए वन प्लस में ए टू प्लस में ए थ्री इज इक्वल टू, पहला जीरो है हमारे पास, फिर ए वन प्लस में ए टू इज इक्वल टू वन है हमारे पास, फिर ए वन इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास थ्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ए वन का वैल्यू पुट कर दो ऊपर में थ्री, वहाँ जाएगा माइनस टू, मतलब ए टू का वैल्यू आ गया आपके पास माइनस टू। अब इसी को ये ए वन प्लस ए टू का वैल्यू वन है, तो यहाँ पुट कर दो, वन गया उधर, मतलब ए थ्री का वैल्यू आ गया आपके पास माइनस वन, और यहाँ पे आपको ए वन का वैल्यू पता है थ्री, तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आया, ए वन इज इक्वल टू थ्री, ए टू इज इक्वल टू माइनस टू, और ए थ्री इज इक्वल टू माइनस का वन, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से देखिए, मैं आपको सिखाया था कि हमें लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब जहाँ पे आपको ए वन ए टू ए थ्री दिख रहा है ना आपको गाइस, वहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करते जाइए, तीनों को अच्छे से लिखते हैं अरेंज करके। मैं आपको एकदम तरीके से सिस्टमेटिक वे में समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स के फॉर्म में लिख पाएँ इसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब तीनों को हम जमाते हैं, यहाँ पे जमाएंगे कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे जमाना है। यहाँ पे आपको पहले आपको लिखना है टी अल्फ़ा वन, ठीक है, फिर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ा वन की जगह यहाँ पे आप देखिए, पहला ए वन का वैल्यू क्या है हमारे पास, थ्री है, थ्री वन वन वन, ठीक है, फिर वैल्यू क्या है, ए टू का वैल्यू माइनस सिक्स डबल वन और जीरो, फिर सिक्स वन जीरो और जीरो, फिर टी अल्फा टू का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से टी अल्फा टू का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे ए वन का वैल्यू थ्री, फिर वन वन और वन, फिर माइनस सिक्स यहाँ भी है डबल वन जीरो, फिर प्लस में फाइव वन जीरो जीरो, फिर टी अल्फा थ्री का वैल्यू क्या है, इस फॉर्म में आपको ऐसा लिखना ही है गाइस। इसके बाद यहाँ पे देखिए, थ्री यहाँ भी सामने है, वन वन एंड वन, फिर यहाँ पे आएगा माइनस टू वन वन और जीरो, फिर यहाँ पे आएगा माइनस वन वन जीरो एंड जीरो। अब इसे हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, लेकिन आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए, तीनों निकालने के बाद अब यहाँ पे हम निकालेंगे कोफिशियंट मैट्रिक्स, अगर आपको याद होगा तो, अभी हमने पढ़ा पहले पॉइंट वाले में, अब सेकेंड पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं हम कोफिशियंट मैट्रिक्स, इसे कैसे निकालते हैं, सिंपल सा चीज़ है। कोफिशियंट मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में जमाना है और कोफिशियंट का लेना है ट्रांसफॉर्मेशन में से। तो यहाँ पे क्या आएगा गाइज, आपको पता है यहाँ पे थ्री जैसा लिखा है वैसे ही जमाना है, सिक्स और सिक्स, फिर थ्री माइनस सिक्स और फाइव, थ्री माइनस टू और माइनस वन। तो यहाँ से इस तरीके से क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे मैट्रिक्स विथ टी मैट्रिक्स, लिखो यहाँ पे टी मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी डैश, इसको कैसे लिखते हैं हम, टी सच दैट बी डैश, दिस इज द वे टू राइट दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी एंड बी डैश। सो यहाँ से आप देखिए, टी सच दैट बी डैश, पहले वाले में बी था, यहाँ पे बी डैश है, इज इक्वल टू,
अब इसे ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसपोज करना है, सॉरी ट्रांसपोज मतलब चेंज, रो का कॉलम है, कॉलम का रो में, ये रो है तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। सिंपल थ्री, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, थ्री माइनस सिक्स और सिक्स लिख दिया मैंने, फिर थ्री माइनस सिक्स और फाइव, फिर थ्री माइनस टू और माइनस वन, इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर सेकेंड क्वेश्चन का। लेकिन गाइज यहाँ पे आप देखिए थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास, वेरीफाई दैट ये मतलब ये वाला मल्टीप्लाई अल्फ़ा और बीटा बी डैश बेसिस का डैश और ये इसका इज इक्वल टू हमें शो करके दिखाना है, देन ओनली ये कम्प्लीट होगा, ठीक है। और जहाँ पे अल्फ़ा जो है वी थ्री आर होना चाहिए, मतलब ए बी सी तीन टर्म्स टाइप से होना चाहिए। तो इतना आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में, जो कि जिससे हमारा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन कंप्लीट तभी होगा, फुल मार्क्स तभी मिलेगा आपको जब ये सीख जाओगे आप। अगर ये क्वेश्चन आप सीख गए ना तो आप डेफिनेटली बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छे से ट्राई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे हम यहाँ पे, आगे हम सिंपल से यहाँ पे देख रहे हो आप अल्फ़ा वी थ्री आर दिया गया, तो लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी मान लिए, एंड बेसिस आपके पास दिया गया है, बेसिस हमें यहाँ पे बी डैश का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है। यहाँ सभी जगह आप देख रहे हो बी डैश लगा हुआ है, तो बी डैश का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, तो बी डैश लिख लो पहले, आपको याद हो गया होगा अब, तो वन 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 फिर कॉमा वन वन जीरो फिर कॉमा वन डबल जीरो, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, ये आपको ये भी आपको पता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा चीज़ सेम चीज़ अप्लाई करना है, ए बी एंड सी आपको मालूम है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बोल सकते हो टी अल्फा निकाल रहे हो अगर, तो यहाँ पे ए बी सी हो गया, और यहाँ पे ए वन मान लो आप ए वन 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 प्लस में ए टू वन वन और जीरो प्लस में ए थ्री वन जीरो एंड जीरो, इस तरीके से यहाँ से ए वन प्लस ए टू प्लस में ए थ्री सेम इक्वेशन बनेगा, ठीक है। इक्वेशन बना रहा हूँ डायरेक्ट में, पहले जो बना था ए हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे बन जाएगा ए वन प्लस में ए टू स्क्वायर करने पे, तो यहाँ पे बी बनेगा और ए वन फिर से बनेगा, ये वाला हम मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ ऐड करेंगे, तो यहाँ से सी बनेगा। अब ए वन का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आप ए वन का वैल्यू पुट करेंगे उधर जाएगा, मतलब ए टू का वैल्यू आया हमारे पास बी माइनस सी, अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर दो बी, तो यहाँ से हमारे पास ए थ्री का वैल्यू आ जाएगा ए माइनस बी, तो यहाँ से वो क्या क्या मिल गया आपके पास, ए वन का वैल्यू आ गया सी, ए टू का वैल्यू आ गया बी माइनस सी, एंड ए थ्री का वैल्यू आ गया आपके पास सी। अब इसे हमें अरेंज करना है ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में, तो पहले आप इसे लिखिए ए बी एंड सी इज इक्वल टू, जैसे हम लिखते थे पहले वैसे सेम करना है, अब आपको समझते जाना है बस यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम अल्फ़ा वाला कर रहे हैं, हमको ये भी चाहिए था ना, ये फाइंड कर रहे हैं अभी हम इस फॉर्म में, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाएगा आगे, थोड़ा लेंदी प्रोसेस था ये। इसके बाद यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट अप कर दीजिए आप, ए वन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए वन का वैल्यू है सी, ठीक है, तो यहाँ पे वन वन और वन, फिर ए टू का वैल्यू क्या है यहाँ पे बी माइनस सी, तो यहाँ वन वन और जीरो, प्लस में ए थ्री का वैल्यू है सी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास वन जीरो कॉमा जीरो। अब ये जो इक्वेशन है ना हमारे पास, इसका हमें कोफिशियंट मैट्रिक्स निकालना है, कोफिशियंट मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, इतने बार तो पढ़ चुके हैं अभी तक में हम, यहाँ पे क्या बनेगा मैट्रिक्स सी कॉमा बी माइनस सी कॉमा, यहाँ पे क्या आएगा गाइस, ए थ्री का वैल्यू सी है हमारे पास, और यहाँ पे ए टू का वैल्यू हमारे पास बी माइनस सी है ना, तो बी माइनस सी तो लिखा है मैंने, हाँ बी माइनस सी, और थर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे ए थ्री का वैल्यू सी, ये कैसे हो सकता है, ए थ्री का वैल्यू हमारे पास ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी आएगा, यहाँ भी a माइनस बी सुधार लेना है आपको, a माइनस बी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी, ठीक है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स जम गया हमारे पास। अब इसी का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स अल्फा मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू b डैश, इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा सच दैट b डैश मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो यहाँ से आप लिखिए इसे अल्फ़ा सच दैट b डैश मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ट्रांसपोज करना है आपको बस, ट्रांसपोज ये रोम है कॉलम में आ जाएगा, तो यहाँ से सी बी माइनस सी ए माइनस बी, ये आ गया आपके पास।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है उसका यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको सेम दिखाओ। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो LHS लिख लो यहाँ पे आप। LHS इज इक्वल टू टी सच दैट बी डैश मल्टीप्लाई अल्फा सच दैट बी डैश। इसका वैल्यू आपको मालूम है क्या? टी सच दैट बी डैश का आपने कॉपी में नोट डाउन किया, वहाँ से लिखिए 3 3 3 -6 -6 2 6 5 और -1। ये आ गया हमारे पास, कि मल्टीप्लाई में ये हमारे पास सी बी माइनस सी और ए माइनस बी। इसे आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे और ऐसे करना है। तो 3c फिर प्लस में 3b माइनस 3c फिर 3 प्लस में 3a माइनस 3b। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं -6c माइनस -6b फिर माइनस माइनस प्लस 6c आ गया, फिर 2a माइनस में 2b, ठीक है, फिर 6c फिर प्लस में 5b माइनस में 5c उसके बाद माइनस ए प्लस बी। तो ये कुछ हमारे पास ये आया। अब यहाँ से कैंसिल कुछ हो रहा है क्या? ये वाला कैंसिल हो रहा है, 6c ये भी कैंसिल हो रहा है क्या, और 3b भी कैंसिल हो रहा है ना यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अब जमाते हैं इसे, क्या आएगा यहाँ पे? पहले वाले में आ रहा है 3a बचा हमारे पास, सेकेंड में माइनस 6 और पहले तो 2a बचेगा यहाँ पे, 2a फिर माइनस में माइनस 8b। यहाँ पे क्या हो रहा है? सी पहले तो हमारे पास a बचेगा, माइनस का a, माइनस a फिर प्लस का b, b है क्या? 6b एंड c में प्लस में c। तो ये हमारे पास इक्वेशन आया, ये LHS का है। इस इक्वेशन नंबर 1 मान लो हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब एक और पार्ट बचा है बस हमारा, समझने वाली चीज़ है, बहुत आराम समझेंगे हम। ये हमारा आया, अब RHS निकालते हैं, दोनों को इक्वल प्रूफ करते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट। चलिए अब RHS के लिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने वहाँ पे जो हमने निकाला था वहाँ पे एक छोटा सिली सी मिस्टेक होगा, अगर मैंने साथ साथ में किए होंगे तो। यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैंने 8b लिखा है, माइनस में 8b। यहाँ पे माइनस 8b क्यों आया था? क्योंकि -6b और -2b लिख दिया था मैंने वहाँ पे, वहाँ पे आपको सुधारना है, वहाँ +2b आएगा, छोटा सा मिस्टेक। तो यहाँ से -6 + 2b क्या हो जाएगा? -4b। मैंने सुधारा है यहाँ पे, -4b आएगा। यहाँ आपको कॉपी में करेक्ट कर लेना है और वहाँ पे भी आप करेक्शन कर लीजिएगा अगर आप ध्यान से कर रहे होगे तो, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़ है, RHS निकालते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको टी अल्फ़ा मानना है। टी अल्फ़ा क्या होता है यहाँ पे? अब क्वेश्चन में दिया गया था हमारे पास टी अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा टी ए बी सी, और टी ए बी सी का वैल्यू हमारे पास गिवन था यहाँ पे 2b प्लस में सी कॉमा ए माइनस 4b कॉमा 3a। तो इसी को लेके हमें 2b प्लस में सी कॉमा ए माइनस 4b एंड 3a, इसको लेने पे हमें टी अल्फ़ा है ना, ये पूरा अल्फ़ा है। तो यहाँ से a1 ऐसा मानना है आपको सेम, a2 एंड a3 1.0.0। ये आपको याद हो गया होगा, अभी देखते देखते। तो यहाँ से a1 प्लस में a2 प्लस में a3 इज इक्वल टू 2b प्लस c आ जाएगा। पहला कंपेयर किया हमने, सेकेंड a1 प्लस में a2 करोगे अगर आप, तो यहाँ पे क्या है a माइनस 4b और a1 इज इक्वल टू 3a, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आप a1 का वैल्यू पुट कर दो 3a, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ से आएगा, a1 का वैल्यू पुट करूँगा तो a2 का वैल्यू आएगा, यहाँ से a2 का वैल्यू आ जाएगा 3a, वहाँ गया तो माइनस, तो माइनस का 2a और माइनस 4b, ठीक है। पहला आ गया, ये हमारा 3 है ऑलरेडी हमारे पास। a1 का वैल्यू क्या है? a1 का वैल्यू है 3a। अब इसका वैल्यू, ये जो वैल्यू है, सॉरी a1 प्लस a2 है, इसको वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, a माइनस 4b। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ए, पुट करते हैं राइट, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ए माइनस 4b प्लस में a3 इज इक्वल टू 2b प्लस में c। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a3 को निकालना है हमें, तो यहाँ से a3 का वैल्यू आएगा हमारे पास माइनस ए प्लस में 6b और प्लस में c। ये आया हमारे पास वैल्यू a3 का, a3 का वैल्यू आ गया, a2 का वैल्यू आ गया और a1 का वैल्यू आ गया। अब इसे हमें क्या करना है? इसमें पुट करना है, इसमें इस इक्वेशन में, यहीं पे पुट करता हूँ यहाँ पे 2b प्लस सी ए माइनस 4b एंड 3a इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? a1 का वैल्यू क्या है हमारे पास? a1 का वैल्यू 3a 1 1 1 प्लस a2 का वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस 2a माइनस 4b और ब्रैकेट में आएगा 1 1 0
और ए थ्री का वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस है प्लस सिक्स बी प्लस में सी और वन वन सॉरी जीरो वन जीरो और जीरो। अब इसका जो ये जो है इसका में हमें कोफिशियंट फॉर्म लिखना है, कोफिशियंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कोफिशियंट मैट्रिक्स इसका ये हो जाएगा हमारे पास थ्री है और माइनस टू ए माइनस फोर बी और माइनस ए प्लस में सिक्स बी और प्लस में सी, थोड़ा छोटा लिखा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ये हमारे पास आ गया। फिर से लिखता हूँ इसको मैं, थ्री ए माइनस टू ए माइनस फोर बी माइनस ए प्लस में सिक्स बी प्लस में सी। रो वाइज लिखा है तो रो का मैट्रिक्स बनेगा। अब इसका हमें निकालना है टी अल्फ़ा, मतलब टी मैट्रिक्स मैट्रिक्स टी मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी डैश। तो यहाँ से टी अल्फ़ा, यहाँ टी अल्फ़ा लेना है ना हमको, टी अल्फ़ा मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी डैश, ये हो जाएगा बी डैश। तो यहाँ से निकाल लो आप टी अल्फ़ा सच दैट बी डैश इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करना है इसे मतलब रो का कॉलम में, तो थ्री ए माइनस में टू ए माइनस फोर बी और माइनस ए प्लस सिक्स बी प्लस सी। अब चेक करते हैं क्या इक्वल है क्वेश्चन नंबर टू, तो यहाँ पर देख रहे हो आप एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ्ड, हमने वेरीफाई कर लिया, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसे आप ध्यान से देखिए पहले। सो गाइस आपको इस तरीके से इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को करना है बहुत ही बारीकी से, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आएगा अगर आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 नंबर का आएगा, अगर आप कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो 5-6 नंबर, जैसे भी पैटर्न होगा लेकिन बड़े नंबर में आएगा इतना तय है, ठीक है। तो बड़े नंबर में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर आपके सिलेबस में है अगर आपको पढ़ाया गया है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। और अगर आप पहले का लेक्चर्स मेरा नहीं देखें तो मैंने प्लेलिस्ट बनवा दी है, लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, ये क्वेश्चन शायद लास्ट था हमारा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हाँ गाइस अगर आपने कमेंट करी जरूर, आपका डाउट होगा अगर तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करता हूँ आपके कमेंट का। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में।